শিলিগুড়িতে এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যকে এক হাত নিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং পটেল। শিলিগুড়ি হিলকাটুরে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে জয়মণি ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্য সরকারকে এক হাত নিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং পটেল। তিনি বলেন, कि कांग्रेस देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार में रही, ऐसा लगता है जैसे उसने उत्तर बंगाल को सजा दी। फिर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही लंबे समय तक, उसने तो लगता है कि शत्रुता का ही व्यवहार किया। वो जब तृणमूल की सरकार आई तब लोगों को कुछ आस रही होगी, लेकिन 10 वर्ष पूरे होने के बाद जो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं लोग, तो उनके साथ में अन्याय हुआ है। इसलिए उत्तर बंगाल के लोगों ने लोकसभा में 8 में से 7 सीटें देकर अपना मानस स्पष्ट कर दिया कि अब विकल्प के रूप में वह भारतीय जनता पार्टी चाहती है। विधानसभा के चुनाव निकट है, तकलीफ होती है कि यहाँ पर कानून का राज नहीं है, कोई संवैधानिक व्यवस्था दिखती नहीं। केंद्र राज्य संबंधों की जो आत्मीयता होनी चाहिए वो तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि सांसद निधि हर संसद सदस्य का विशेषाधिकार है, वो यहाँ कर आकर पड़ी रहती है, उसका उपयोग यहाँ पर होता नहीं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के मार्ग मैंने रस्ते में देखे, एक जगह पर भी मुझे साइन बोर्ड नहीं लिखा। मैं त्रिपुरा में भी चुनाव प्रचार में गया था, वहाँ मैंने ये परिस्थिति देखी थी जब कम्युनिस्ट सरकार थी। आज मैं वही पश्चिम बंगाल की धरती पर देख रहा हूँ। अभी एक कार्यकर्ता की भी पैलेट गन से हत्या की पुलिस ने। हमारे 3-3 सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री की उपस्थिति में आप सब सिलीगुड़ी वासियों की आंखों के सामने जिस प्रकार से ये अत्याचार हुआ है, हत्या हुई है, आज मैं उस परिवार से मिला। और उस परिवार से मिलने के पहले भी मेरी मनस्थिति ये थी, लेकिन और दृढ़ हुई है कि अन्याय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साहस को कम नहीं कर सकता। हमारे कार्यकर्ता उलेन राय के पिता की जो बात सुनी मैंने, एक ही वो कमाने वाले उनके पुत्र थे, उसके बाद भी वो उसी निष्ठा के साथ आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी दृढ़ता प्रकट कर रहे थे। इकलौता बेटा जाने के बाद दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन ये मिसाल है और ये ममता बनर्जी और उनकी सरकार को जवाब है कि आप किसी नौजवान बेटे को मार दोगे तब भी उसकी पत्नी और उसके पिता विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, यही पार्टी की ताकत है। लेकिन ऐसा अन्याय मैंने देश के कम क्षेत्रों में देखा है और इसलिए मैं नॉर्थ बंगाल की जनता से यही प्रार्थना करूंगा कि आपने तो अपना फैसला सुना दिया, आने वाले 4 माह के बाद जब चुनाव होंगे तो हमें आपका आशीर्वाद भी चाहिए, हमें आपका सहयोग भी चाहिए और हमें आपका वोट भी चाहिए।